आगरा में साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय मामले का हुआ खुलासा। कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में कर रहे थे फ्रॉड, अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे इसका निशाना, वॉइस कॉल के माध्यम से करते थे अमेरिकियों से बात, वहीं अमेरिकियों से उन्हीं की भाषा में करते थे बात। अब तक करोड़ों का कर चुके थे फ्रॉड, प्रतिमाह 30 लाख तक का फ्रॉड करते थे। 2021 से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा चल रहा था। बिटकॉइन के माध्यम से अमेरिकियों से पैसा लेते थे। आगरा पुलिस ने यूएसए एम्बेसी को इसकी सूचना दी। यूएसए की जांच एजेंसी भी इस मामले में शामिल हो गई। पुलिस ने 7 छात्रों को गिरफ्तार किया। इसका मास्टरमाइंड अनुराग प्रताप बताया गया है, जो कि रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है। 6 डेस्कटॉप, 3 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, कई मोबाइल और उपकरण बरामद किए हैं। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर नियमानुसार यहाँ चल रहा था, लेकिन जो ये कार्य कर रहा था वो टोटल फर्जी कार्य कर रहा था, और ये कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड कर रहा था, और बेसिकली जो इसके टारगेट्स थे वो यूएसए के टारगेट्स थे। ये कॉल सेंटर जो चल रहा था, इसमें कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि वॉइस कॉल के माध्यम से यूएस के सिटीजन्स को कॉल करके और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं के एक्सेंट में और यूएस का कोई अपना फर्जी नाम बताकर उनसे उनका पर्सनल डाटा लिया करते थे। पर्सनल डाटा में जो सेंसिटिव डाटा होता है, जो वहाँ का नंबर होता है, जो एंटी नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो हमारे आधार है, उसी तरह वहाँ का जो आईडी है उसके अंतिम के 4 डिजिट, उनका अकाउंट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका यूज़र आईडी, बैंक अकाउंट की यूज़र आईडी और पिन, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन ले लिया करते थे। इन इन्फॉर्मेशन को लेकर वो उनका बैंक का स्टेटमेंट निकाला करते थे, और बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके जो उनका कोई एक ट्रांजेक्शन हुआ करता था, उस ट्रांजेक्शन के माध्यम से बैंक को कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर किया करते थे कि ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो गया है, तो बैंक वहाँ के नियमों के मुताबिक उस पैसे को उनके अकाउंट में क्रेडिट करके फ्रीज कर दिया करता था। और फिर ये लोग, इनका गैंग के दूसरे सदस्य लोग, उन्हीं को दोबारा कॉल करके ये बताया करते थे कि ये अकाउंट, ये पैसा मैंने आपके अकाउंट में डलवाया है, जिसका उपयोग आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी भी ई मार्केटिंग वेबसाइट से गिफ्ट कार्ड खरीदवा लेंगे और खरीदवा के उस गिफ्ट कार्ड का नंबर और उसका पासवर्ड अपने पास ले लेंगे और वो पैसा अपने खाते में वो लोग क्रेडिट करवा लेंगे। और ये इस गैंग में वहाँ के भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फिर वहाँ के लोग वो पैसा बिटकॉइन के माध्यम से यहाँ जो फ्रॉड कर रहे हैं इनको भेजा करते थे। अभी तक जितना इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसके माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो कॉल सेंटर एक चल रहा था, जिसमें कि 7 से 8 लोग कार्य कर रहे थे, ये कॉल सेंटर पर डे लगभग 1 लाख रुपए की फ्रॉड किया करता था ऑन एन एवरेज। अभी ये लोग अपना जो डाटा है मोबाइल से रोज़ डिलीट कर दिया करते थे। हमें जो 1-8 दिन का डाटा प्राप्त हुआ है, इससे हमारा ये आकलन है, और विस्तृत रूप से ये साक्ष्य के साथ विवेचना में बाद में सम्मिलित होगा। इनके सारे जो भी कार्यवाही है, जो भी इनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर थे, उन सबको पुलिस ने विधिवत नियमानुसार लंबे समय के एक रेड में जब्त किया है, और उनके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने इसकी सूचना ये यूएस एम्बेसी को भी दी है, और ये डाटा हमने यूएस के साथ शेयर किया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, उनका वो डाटा लेकर वहाँ पे वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका जांच।